नहीं मनीष जी, तुम अरविंद केजरीवाल को क्या मानती हो क्या नहीं मानती हो ये तुम्हारी निजी धारणा है। अरविंद केजरीवाल को तुम अपने बाप से ज्यादा मानती हो, बाप का बाप मानती हो, ये तुम मानो। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने माना कि तुम्हारी गिरफ्तारी लीगल है। किस मुंह से ये 4 महीने बाद एक अपराधी को, अंडर ट्रायल एक्यूज्ड को, उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए? कैमरे के सामने सीएम बैठी हुई है और सीएम के बगल वाली जो कुर्सी है वो खाली है। दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने किया और मुझे ये लगता है कि दिल्ली की सीएम के ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में ये दिख रहा है कि कैमरे के सामने सीएम बैठी हुई है और सीएम के बगल वाली जो कुर्सी है वो खाली है। उस कुर्सी पर, उस कुर्सी पर उसने कहा गया कि कोई नटवर लाल किसी के लिए खाली है। लोगों ने कुछ और फ्रेम भी बना दिया है इस रूप में, देखिए कि ऐसे पेश किया गया है कि जैसे लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए खाली। मुझे तो लगता है कि यदि सचमुच संज्ञान लेने की जरूरत है तो कोर्ट को इस पर लेना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो कैसे खाली है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये ढोंग ऐसा लग रहा है, लग तो रहा है कि आतिशी उससे भी बड़ी नौटंकीबाज है, लेकिन इससे तो पूरी तरह से मजाक उड़ा दिया एकदम से। नहीं मनीष जी, तुम अरविंद केजरीवाल को क्या मानती हो क्या नहीं मानती हो ये तुम्हारी निजी धारणा है। अरविंद केजरीवाल को तुम अपने बाप से ज्यादा मानती हो, बाप का बाप मानती हो, ये तुम मानो। तुमको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोक रहा है। लेकिन जब आए कि जब संविधान का ये घूम रहा था लेके किताब राहुल गांधी, तो इसी इंडी गैंग की ये भी मेंबर है, ये इसने आज सरे आम पूरे देश के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपमान किया है, मुख्यमंत्री की सीट का अपमान किया है, जो कह रही कि इस पे कोई नहीं बैठेगा, इसके तो मालिक अरविंद केजरीवाल ही है। तो ये भी समझिए कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है कि दिल्ली के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल के बाप की कुर्सी है ये जब तक वो मुख्यमंत्री था दिल्ली का, तब तक वो इस कुर्सी का हकदार था। उसने इस्तीफा दे दिया गवर्नर को, उसके बाद इस कुर्सी में उसके नाम नहीं लिखा, उसके उसके पिताजी ने नहीं बनाई थी ये कुर्सी संविधान की बनाई हुई कुर्सी है, और तुमने अगर शपथ ली है तो तुमको इस कुर्सी में बैठना पड़ेगा, और अगर नहीं बैठती हो तो संविधान की अवमानना है और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की अवमानना है। बाकी इसको केंद्र सरकार कैसे देखती है, और इस पर एक्शन होना चाहिए मनीष जी। ये कोई केजरीवाल ने अपने घर में बैठ के हथौड़ी छेनी लेके अपने बाप के साथ मिलकर नहीं बनाई थी ये कुर्सी, संविधान की बनाई हुई है और संविधान द्वारा सौंपी गई है, इसको शपथ दिलाई गई है, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, तो ये कैसे कर सकती है कि इस कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। ये तमाशा बना रहे हैं, ये जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल इन्होंने बना दिया है दिल्ली कुर्सी को। और ये भरत और राम की ये बात कर रही थी, इसको शर्म नहीं आई कि किस आदमी की तुलना भगवान राम से कर रही है। तुम बना ना, तुम उसको क्या बना दे, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम देश के ऊपर नहीं थोक सकती। इस एक तरफ भगवान राम जिनके पिताजी राजा दशरथ, जिनका आज भी चलता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो आज भी उन्हीं के समय का है, उन्हीं का दिया हुआ, एक तरह से उन्हीं के लिए कहा जाता है। और एक तरफ ये गोविंद राम का लंबा वो जो दिल्ली में जो अपनी बहन को अपनी माँ बता के जिसने जमीन हड़प ली उसकी, जरा दिखा दीजिए मनीष जी खबर में, क्योंकि ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं मैंने, खबर डाली है उस पर पड़ी है, दर्शक देख ले। ये उस बाप का लड़का जिसने अपनी माँ को, अपनी बहन को अपनी माँ बता के उसके हिस्से की जमीन हड़प ली, वो बेचारे सड़क पे आ गए, वो इसके घर भी पहुंचे थे, केजरीवाल के घर भी धरना देने गए थे। तो ऐसे जालसाज बाप का, जालसाज लड़का, और उसको भगवान राम और खुद को भारत बता रही है, तो इसको शर्म नहीं आ रही, ये तो खैर नक्सली ही है, इसको तो जितना अपमानित करेगी, जितना लांछित करेगी हिंदू धर्म को, इसको उतने नंबर मिलेंगे। तो इस महिला के खिलाफ तो कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए मनीष जी। ये कैसा फ्रॉड कर रही है, और खासकर संविधान को अपमानित करने का तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल, अपने आप को तो इसने जैसे कहो ना भरत पुत्र राम हो गए और उसको बना दिया। और दर्शक देख ले, खुलासा, केजरीवाल के पिता ने बहन को मां बताकर हड़प ली जमीन। और ये भी बता दू कि ये मोदी के राज की नहीं है, ये 12 मार्च 2014 की रिपोर्ट खबर है ये, यानी नरेंद्र मोदी का तब अता पता नहीं था, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ये कांग्रेसियों का ही शासन चल रहा था, और उस समय इसके घर पहुंचा वो व्यक्ति, और उसने बताया कि किस तरह से अरविंद के पिता गोविंद राम ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपनी बहन सीता देवी को अपने पिता की पत्नी यानी माँ लिखाकर उसकी कीमती जमीन हड़प ली।
तो ये इस तरह के जालसाज बाप बेटे, और इनको राजा दशरथ और राम बता के कह रही कि हमें भरत हूँ और ये यहाँ खड़ा हो रहेगी, तो ये इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए मनीष जी। इनके राजनीतिक बुराई से काम नहीं चलेगा, ये जालसाजों का पूरा गिरोह जो है, और अब तो ये बिल्कुल एकदम इसने स्पष्ट कर दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल के बाप की नहीं है, अरविंद केजरीवाल के घर की विरासत नहीं है, अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं लाया था ये दिल्ली की जनता ने बैठाया था, 10 साल बैठा, और अब जब इस्तीफा दिया है तो इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, अन्यथा इस कुर्सी को यहां से हटाना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं बैठ सकती मुख्यमंत्री के रूप में कि ये बगल में बैठी है और वो कुर्सी खाली है, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। और इस पर तो दिल्ली की भाजपा को इसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए बहुत बुरी तरीके से कि ये नौटंकी नहीं चलेगी, ये कुर्सी खाली है, ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है तुमको ये कुर्सी नहीं पसंद है, यहां से हटा दो, लेकिन तुम अकेले ही बैठोगी, इस तरह से नहीं चलेगा ये भगवान राम से तो इसकी तुलना ही करना, मैंने कहा राजा दशरथ तो कहां जालसाज गोविंद राम, उसके लौंडे की तुलना तुम भगवान राम से कर रही हो, तो अपने आप में नौटंकी बहुत धूर्त नौटंकी है और हिंदुओं को अपमानित करने वाली नौटंकी है। और ये वो लोग कर रहे हैं, ये सनातन और राम से जिसका सनातन पे आस्था नहीं, जिसके बाप ने इसका नाम मार्क्स और लेनिन के नाम पे मार्लिना रखा, बड़ी चालाकी से इसने मार्लिना साइड किया, अतिशी सिंह हो गई, फिर उसके बाद अतिशी हो गई, मतलब जिसका सनातन में कोई आस्था नहीं है, जो घोर शहरी नक्सल वामपंथी है, वो राम और दशरथ की बात कर रही है। कमाल की बात है, वो तो सर राजतंत्र था उस समय में, जनता ने नहीं चुना था, यहाँ तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही होंगे। और एक और चीज है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, आप विज्ञान भवन कहीं पे भी आप चले जाइए, जब राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के अलावा डायस पे सबकी कुर्सी एक जैसी होती है। हाँ, आप चीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और दूसरे लोग भी होंगे, सबकी कुर्सी एक जैसी होती है, सिर्फ भारत के महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी अलग होती है, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोग बैठते हैं, सबकी कुर्सी एक जैसी होती है। ये दिल्ली के सीएम की कुर्सी को इसने ऐसे पेश कर दिया, खुद इस सीएम, और ऐसा लग रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी हो, एक तरह से पूरी तरह से दिल्ली का मजाक है, भारत के संविधान का मजाक है, इस पर तो अदालतों को भी संज्ञान लेना चाहिए। अदालत को संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं लेती तो भाजपा, जो दिल्ली की भाजपा है उसको कम से कम अब तो जाग जाए इसके खिलाफ। अब फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष वो जो सक्रिय है, कि कल से भाजपा इसकी नाक पे दम कर दे कि ये धांधा गर्दी, इस तरह का फ्रॉड नहीं चलेगा, तुमको बैठना बैठो, नहीं तुम इस्तीफा दो, कोई और बैठेगा आके, इस तरह का काम नहीं हो सकता। ये अब मनीष जी माइक रखे हुए हैं सर, मनीष जी हम लोगों का काम ड्यूटी है कि हम लोग अपनी बात कहें सामने रखे तथ्य को। अब ये जमीन पे लड़ाई तो भाजपा दिल्ली भाजपा को लड़नी है, देखें कैसे लड़ती है इस पे। बिल्कुल, और ये मुद्दा इसलिए भी, देखिए इतने सारे माइक रखे हुए हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई संवैधानिक रूप से आपको कैसे ये हक दिया सकता है। वहां महिमा मंडन चल रहा था, क्योंकि होता तो वही है कि आप सेलेक्टेड पत्रकारों को अंदर बुलाते हैं। और मनीष जी सबसे खास बात यह कि दिल्ली भाजपा को यह काम तत्काल करना चाहिए, कल ही से, कल परसों के अंदर ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये ना कि वो चुनाव के समय के अंदर, जब आप चुनाव के समय कुछ करते हैं तो जनता भी जानती कि ये नौटंकी हो रही है, ये विरोध नहीं हो रहा है, नौटंकी हो रही है, जो आप लगातार विरोध करते हैं उसका प्रभाव आपको चुनाव में भी मिलता है। और इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मनीष जी दे दूं, आज से समझिए, हाँ तो 57 साल हो गए, 57 कह रहा हूं, 47 साल हो गए, 1977 जिस दिन जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बड़ा फेमस कोट है मनीष जी कि वो चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया गया था, और चौधरी चरण सिंह का एक बड़ा कोट छपा था अखबार में कि इंदिरा गांधी के लिए कि अरेस्ट इंदिरा टुडे और नेवर, या तो इंदिरा गांधी को आज ही गिरफ्तार करो अन्यथा कभी नहीं गिरफ्तार कर पाओगे। वही हुआ, मोरारजी देसाई इधर उधर करते रहे, और जब उसके 8-9 महीने बाद उसको गिरफ्तार किया तो फिर वो बड़ा तमाशा बना, बाद में सरकार ही चली गई, अन्यथा जिस दिन रिजल्ट आया था और शपथ ली थी मनु मोरारजी देसाई ने, तो पहला काम चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अरेस्ट इंदिरा टुडे और नेवर, यही उनका कहना था, और वही हुआ कि बाद में फिर उसको कभी गिरफ्तार कर नहीं पाए। बिल्कुल, और इसीलिए लगता है कि ये पूरा जो नटवर लाल का खेल, एक आदमी जो भ्रष्ट है, जो शराब माफिया गिरी जैसे पाप वाले काम में, और ऐसा नहीं है भाई, देश की सुप्रीम कोर्ट ने माना प्रथम दृष्टिया कि तुम्हारे ऊपर आरोप गंभीर है, तुमने कहा कि हमारे ऊपर गिरफ्तारी जो हमारा इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तुम्हारी गिरफ्तारी लीगल है, भले ही अंतरिम जमानत ज्ञान देके दे दिया कि
बेल जो अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तुमने कहा कि हमारी गिरफ्तारी इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने माना कि तुम्हारी गिरफ्तारी लीगल है। अब खेल देखिए कि ये कह रहा कि 4 महीने बाद चुनाव होंगे, उसके बाद ये इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हम तो भाई 4 महीने बाद क्या इस केस कंप्लीट हो जाएगा? हो सकता है इसे सजा हो जाए केस, मतलब इसकी तो संभावना कतई नहीं है कि ये बड़ी हो पाएगा, लेकिन या तो ये केस चलता रहेगा क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो इंडिया भारत की न्यायपालिका में केस तो समाप्त होता नहीं है। तो किस मुंह से ये 4 महीने बाद एक अपराधी को, अंडर ट्रायल एक्यूज्ड को, उस कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा? मतलब जो आदमी कुर्सी छोड़ दिया उसको कैसे बैठा दिया जाएगा? नहीं नहीं मनीष जी, इनको ये कोई इनके साथ कोई तार्किक बात, कोई तथ्यात्मक बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कितने बेशरम, कितने झूठे, गजब के झूठे हैं। ये बता रहे हैं कि वो तो निर्दोष है, बिल्कुल न्यायालय से मोहर लग गई। अरे कोई इनसे पूछे कि न्यायालय ने जो उसको जमानत दी है तो तुम सब फाइल नहीं देखोगे, तुम साइन नहीं करोगे, तुम दफ्तर नहीं जाओगे, तुम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तुम्हारा। तो ये जो आभूषण पहनाए हैं केजरीवाल को, ये काहे के लिए सजाया गया है उसको, उसको कि तुम फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइल देख नहीं सकते, दफ्तर जा नहीं सकते। तो ये इसका मतलब ये आदमी दोषी है और ये कुछ भी खुराफात कर सकता है। तो अपनी तरफ से न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये अपराधियों पर प्रतिबंध लगता है जो संदेह के दायरे में होते हैं। इस टाइप के लोगों को नहीं होता, जो बड़े ईमानदार, बड़े हरिश्चंद्र होते हैं। तो ये सब नौटंकीबाज है वनी जी, इनसे कोई, इनसे तार्किक बात करना, अपने लिए गड्ढा खोदना, इनसे हमेशा उल्टी सीधी बात करें, इनसे उल्टे सीधा व्यवहार करें, तभी आप इन पे काबू पा पाएंगे, अन्यथा नहीं। बिल्कुल, और अब तक तो कहानी लोग ऐसे ऐसे इंतजार करते रहे, जीतन राम मांझी और अभी सोरेन साहब को लोगों ने देखा है। मुझे तो कई बार लगता है अतिशी तो इस नटवर लाल की दादी निकलेगी, वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो नौटंकी करने में केजरी की भी गुरु घंटाल है। हम सब उसका इंतजार करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये मामला बेहद गंभीर है। ये भारत के संविधान का मजाक है, और हद देखिए कि मतलब तुम्हारा नैतिक अधिकार नहीं, ऐसा लग रहा है कि त्याग कर रहा है कि वो शीश महल छोड़ देगा, शीश महल छोड़ देगा, वो पब्लिक के किसी ऐसे कोटे में जाएगा। दिल्ली में विधायकों को घर अलॉट नहीं कराया जाता है, किसी भी एमएलए को, दिल्ली का रूल है मंत्री को घर अलॉट होता है, विधायक को नहीं होता, एमएलए को नहीं। तो इसीलिए अब ये सामान्य एमएलए रहेगा तो इसको घर अलॉट नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज को भी ये कैसे भुनाएगा, कैसे नौटंकी करेगा, ये अभी देखना दिलचस्प है।